क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्यार है और आज भी वह उसका प्यार हमें दिखा रहा है। उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसने अपना महान प्रेम प्रकट किया है। यीशु मसीह इसलिए धरती पर आया कि पूरी मानवता के पापों के श्राप वह अपने ऊपर उठाए। जो उस पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों का बोझ उठाया है, उसे परमेश्वर पिता पापों की क्षमा देता है, उसके जीवन पर आशीष आते हैं और उसे स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त होता है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें धरती पर भेजा, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने हमें आज तक जिंदा रखा है, वह परमेश्वर सचमुच प्यार है। उस पर सच्चे दिल से विश्वास करें और उसके प्यार का अनुभव करें कि वो कितना भला है। प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 32 से लेकर 35 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। फिर ऐसा हुआ कि पत्रस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुँचा जो लुद्दा में रहते थे। वहाँ उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पत्रस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का प्रमुख चेला पत्रस लुद्दा नाम के एक शहर में पहुंचा था और उस नगर में उसे ऐसा एक मनुष्य दिखाई दिया जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा हुआ था, क्योंकि 8 वर्ष से उसे लकवे की बीमारी हो चुकी थी और इतने साल तक वो अपने बिछौने पे पड़ा हुआ था। जब पत्रस वहाँ पर पहुँचा, उसने इस आदमी को देखा, उसका नाम एनियास लिखा है। उसने इस एनियास को देखा कि लकवे की वजह से वो इस तरह से अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तब पत्रस ने उससे कहा, एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। और जैसे ही पत्रस ने उसे यह वाक्य बोले, तुरंत उसके शरीर के अंदर शक्ति आ गई और यह लकवे का बीमार जो 8 वर्ष से बिस्तर पर लेटा था एक पल में उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे ऐसा लिखा है कि यह देखकर वहाँ के लोग प्रभु की ओर फिरे, यानी वो प्रभु पर विश्वास करने लगे क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से जीवित परमेश्वर को देख लिया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह खुद इस धरती पर था तब वो इसी तरीके से चमत्कार दिखाता था, वो लोगों को चंगा करता था, अंधों को आंखें देता था, गूंगे को बोलने की शक्ति देता था, लंगड़े को चलने की शक्ति देता था, मरे हुओं को भी जिंदा करता था,
3.5 साल प्रभु यीशु मसीह धरती पर अपने इस कामों को दिखाता रहा और 3.5 साल होने के बाद उसे पकड़ा गया, उसका छल किया गया, उसे क्रूस पर लटकाया गया और क्रूस पर यीशु मसीह मर गया। वो मरने के 3रे दिन बाद जिंदा हो गया और उसके बाद 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ बातें करते रहा, उनको और बहुत कुछ स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाता रहा। 3.5 साल यीशु मनुष्य रूप में था, चमत्कार दिखा रहा था, बीमारियों को खत्म कर रहा था। 3.5 साल के बाद वो क्रूस पर मर गया, 3रे दिन जिंदा हो गया। जब वो 3रे दिन जिंदा हो गया उसके बाद सारी दुनिया ने उसको नहीं देखा, बल्कि उतने ही लोगों ने उसे देखा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था और जो उस पर प्यार करते थे। हालेलुया। मरने के बाद जब यीशु जिंदा हो गया तब 40 दिन तक धरती पर रहा, पर उन दिनों में वो ऐसे लोगों को नहीं दिखा जैसे 3.5 साल वो लोगों को दिखाई दे रहा था। बस उस पर विश्वास करने वाले और उस पर प्यार करने वाले लोगों को वो दिखाई दे रहा था, उनके साथ बातें कर रहा था और 40वें दिन वो ऊपर आसमान में चढ़कर गया। तब यीशु ने अपने चेलों को बताया था कि वहाँ से ऊपर से परमेश्वर पिता की ओर से एक कुछ तो बहुत बड़ा दान तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हें जो दान परमेश्वर पिता देने जा रहा है यह जब तक तुम्हें मिलता नहीं तब तक यरूशलेम छोड़कर कहीं मत जाना, वहीं पर रुके रहना। और ये बोलने के बाद यीशु स्वर्ग में चला गया। यहाँ से धरती से वो निकल गया। चेलों के दिल में वह आज्ञा थी कि हमारे प्रभु ने कहा है परमेश्वर पिता तुम्हें जो दान देने जा रहा है जब तक ये तुम्हें मिलता नहीं तब तक यरूशलेम को छोड़कर मत जाना। इसलिए चेले यरूशलेम में ही एक घर में बैठकर हर दिन प्रार्थना किया करते थे। और वो दिन आ गया 50वां दिन जब वो एक घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तब आसमान खुल गया और आसमान से पवित्र आत्मा का वर्षा हो गया। पवित्र आत्मा का वर्षा हो गया और वहाँ मौजूद जितने चेले थे सबों के अंदर परमेश्वर का सामर्थ और पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जब चेलों के अंदर आ गया तब से उन्हें भी वही सामर्थ मिल गया, उनके अंदर ज्ञान आ गया, ताकत आ गई। वो उस कमरे से बाहर आ गए और तब से लेकर आज के दिन तक गए 2000 साल हो गए यीशु का हर चेला चमत्कार दिखा रहा है। यीशु का हर चेला जैसे चमत्कार यीशु ने किए थे वैसे ही चमत्कार दिखा रहे हैं। जब ये 50वें दिन चेले पवित्र आत्मा से भर गए उसके बाद क्या क्या होने लगा वही तो इस प्रेरित चरित्र में लिखा गया है। बाइबल की ये जो किताब है प्रेरित चरित्र, उसमें बस प्रेरितों का काम लिखा गया है, यीशु के चेलों का काम। पर ये किताब अभी तक पूरी नहीं हो चुकी है, ये और भी आगे बढ़ रही है क्योंकि अभी तक यीशु के चेलों का काम आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। पर सच्चाई ये है कि जो भी चमत्कार चेलों के द्वारा होते हैं वह चमत्कार चेले नहीं करते बल्कि चेलों के अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वह करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने दुनिया को छोड़ने से पहले अपने चेलों को वादा किया था कि दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सदैव। यहाँ पत्रस ने ऐसे एक मनुष्य को चंगा किया जो 8 साल से लकवे से पीड़ित था, पर यह चमत्कार होने से पहले बहुत चमत्कार पत्रस के हाथ से हो गए।
वह एक मशहूर चमत्कार हो गया। 50वें दिन जब उनको पवित्र आत्मा मिल गया, उसके तुरंत बाद बड़ा चमत्कार हो गया। पत्रस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, दरवाजे पे भिखारी बैठा था जो जन्म से लंगड़ा था। लोग उसे उठाकर वहां बिठाते थे, शाम को लेकर जाते थे, क्योंकि ये जन्म से लंगड़ा था और कभी अपने पैर पर खड़ा नहीं हुआ था। पवित्र आत्मा मिलने के बाद जब पत्रस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, तब उन्होंने इस भिखारी को देखा जो मंदिर के दरवाजे पे बैठा था और इनके पास भी भीख मांग रहा था। उसकी ओर देखकर पत्रस ने कहा कि तुझे देने के लिए हमारे पास सोना चांदी तो कुछ नहीं है, पर जो है वो हम तुझे दे रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। ऐसा बोलने के बाद उसके पाँव में टखनों में बल आ गया और जो जन्म से लंगड़ा था वो कूदकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मिलने के बाद पत्रस के द्वारा ये पहला बड़ा चमत्कार हो गया और उसके बाद शुरू हो गया। हर चेले के द्वारा चमत्कार होते जा रहे थे। यहाँ ये चमत्कार लिखा है कि 8 साल जिसे लकवा हुआ था और जो बिस्तर पे लेटा हुआ था, बस पत्रस के 2 वाक्य के द्वारा उसके शरीर में ताकत आ गई, वो ठीक हो गया, चंगा हो गया, उठकर चलने फिरने लगा। ये प्रेरितों के काम की शुरुआत थी। वहां से लेकर आज के दिन तक गए 2000 साल हो गए। यीशु के चेले दुनिया के कोने कोने में काम कर रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, उनके द्वारा लोगों को चंगाई मिल रही है। पर सच्चाई ये है कि चमत्कार करने वाले, चंगाई देने वाले, लोगों को छुटकारा देने वाले चेले नहीं है, चेलों के अंदर प्रभु यीशु काम कर रहा है। हालेलुया। यदि कोई चेला बोलता होगा कि मैं लोगों को ठीक करता हूं या मैं चमत्कार दिखाता हूं, तो वो सच्चा यीशु का चेला नहीं है। पत्रस ने लंगड़े भिखारी को कहा था, जो हमारे पास है वो हम देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ। नाम किसका लिया? उसका लिया, खुद का नहीं। मैं तुझे कहता हूं उठ, मैं तुझे कहता हूं उठ, ऐसा केवल एक ही बोल सकता है, प्रभु यीशु मसीह। केवल वो ही बोल सकता है। इसीलिए जब उसने लोगों को ठीक किया, तभी वो बोल रहा था, मैं कहता हूं शुद्ध हो जा, मैं कहता हूं उठ। उसके कहने से मरा हुआ भी उठा। जैसे हम सोए हुए इंसान को जगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही यीशु ने मरे हुए इंसान को जिंदा किया। आप घर में सोए हुए बच्चों को कैसा उठाते हैं? वो भी बड़ी मुश्किल से उठाते हैं। पर यीशु बस बोला, मरे हुए को, लाश को बोला, मैं तुझे कहता हूँ उठ, मरे हुए जिंदा हो गए। मैं कहता हूँ, ऐसा केवल एक ही बोल सकता है, प्रभु यीशु मसीहा। हालेलुया, हालेलुया। और कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि हम भी इंसान है। यीशु का हर चेला इंसान है। अगर कोई चेला बोलता है कि चमत्कार मैं करता हूं, चंगाई मैं देता हूं, छुटकारा मैं करता हूं, ये सारे अद्भुत काम मैं करता हूं, यदि कोई चेला बोलता है ऐसा कि मैं करता हूं, तो समझ लो यह यीशु का चेला नहीं है। बाहर से उसने यीशु के चेलों की तरह कपड़ा पहना होगा, बाहर से उसका रूप चेले की तरह दिख रहा होगा, पर वो यीशु का चेला नहीं। यीशु का सच्चा चेला यीशु के नाम से लोगों को चंगाई देता है, यीशु के नाम से चमत्कार करता है। यहाँ पर पत्रस ने उस आदमी को कहा, ऐनेयास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यीशु मसीह खुद के बारे में नहीं बोल रहा है। पत्रस था कौन? एक अनपढ़ मछुआरा जो मछली पकड़ने का काम करता था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, जिसे समाज में कोई इज्जत नहीं थी, कोई मान सम्मान नहीं था। यह यीशु का प्रमुख चेला बन गया, पर वो बोल रहा है, यीशु मसीह तुझे चंगाई दे रहा है। इसका मतलब, यदि यीशु ने नहीं दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
यदि यीशु ने तुझे ठीक नहीं किया तो मैं नहीं कर सकता। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है उसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। मैं भी एक इंसान हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीहा तुझे चंगा करता है, यीशु का प्रमुख चेला बोला। और तब से लेकर आज के दिन तक हर यीशु का सच्चा चेला बोलता है, यीशु चंगाई करता है, यीशु छुटकारा करता है, यीशु चमत्कार दिखाता है, यीशु अद्भुत काम करता है। पर यीशु है कहाँ? वो तो आंखों से दिखाई नहीं देता है। यीशु यदि कर रहा है तो है कहाँ? वो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देता है कि क्योंकि अभी वो शरीर रूप में नहीं। 2000 साल पहले वो था शरीर रूप में, अभी वो शरीर रूप में नहीं। यहाँ पर भी यीशु है, पर हमें वो आंखों से नहीं दिखाई देगा। लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं यीशु चंगाई करता है, तो बताओ यीशु है कहाँ? यदि कोई डॉक्टर इंसान को ठीक करता है तो डॉक्टर दिखाई देता है, दवा दिखाई देती है, जो भी है उनका सारी बातें दिखाई देती है। तुम बोलते हो कि यीशु चंगा करता है, यीशु है कहाँ? वो आंखों से नहीं दिखता क्योंकि अभी वो शरीर रूप में नहीं, आत्मा के रूप में मौजूद है, आत्मा के रूप में। और वो आत्मा के रूप में अपने चेलों के द्वारा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जहां यीशु का सच्चा चेला है वहां चमत्कार होते हैं, वहां चंगाई होती है, वहां छुटकारा होता है। चमत्कार चेला नहीं करता है, चमत्कार यीशु करता है, पर यीशु चेले के द्वारा चमत्कार दिखाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने लोगों की एक गलत फहमी होती है, उनको लगता है कि यीशु के चेले चमत्कार दिखाते हैं। पत्रस जो बोला वही सच्चा चेला बोलता है, यीशु के नाम से चंगा हो जाओ। आप में से जो लोग हमेशा यहाँ प्रार्थना में आते हैं, आपने यहाँ की प्रार्थना सुनी होंगी। चंगाई की प्रार्थना बस 15 या 20 मिनट की होती है, पर जो चंगाई की आज्ञाएं रहती है उसमें हमेशा मैं बोलती हूँ, यीशु के नाम से बीमारी निकल जाए, यीशु के नाम से। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ। आप में से किसी को आज सुबह बुखार आया होगा, एकदम साधारण बुखार, वो आपका साधारण बुखार भी मैं नहीं निकाल सकती हूँ। किसी के सर में दर्द हुआ रहेगा, सुबह से ही दर्द हो रहा है, एक साल से नहीं या एक महीने से नहीं, आज सुबह से दर्द चालू है, पर ये आपका साधारण सर दर्द भी मैं नहीं निकाल सकती हूँ। हालेलुया। अच्छी बात है कि यीशु के चेलों में डॉक्टर और नर्सेस बहुत कम लोग हैं, क्योंकि यदि कोई नर्स या यदि कोई डॉक्टर यीशु के नाम से लोगों को चंगाई देता है या देगा, तो लोगों को लगेगा ये डॉक्टर है इसीलिए चंगाई मिलती है, ये नर्स है इसे दवा पता है इसीलिए हमें चंगाई मिल रही है। यहाँ होने वाला छोटे छोटे से छोटा चमत्कार और बड़े से बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके लिए अनहोनी बात एक भी नहीं है। 8 साल से जिसे लकवे की बीमारी थी वो एक पल में ठीक हो गया, एक पल में उसके शरीर में ताकत आ गई, बीमारी निकल गई। 8 साल की बीमारी एक पल में निकल गई, क्योंकि परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। आज दुनिया में परमेश्वर के ऊपर विश्वास बचा नहीं है, दुनिया परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि हम ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं जो आंखों से दिखाई देती है। यीशु मसीह 2000 साल पहले धरती पर था, ऐसा इतिहास भी कहता है, इतिहास में लिखा गया है कि यीशु नाम का एक आदमी इज़राइल देश में पैदा हुआ था और वहां पर उसने कुछ चमत्कार दिखाए, बाद में लोगों ने उसको मारा और क्रूस पर वो मर गया। बस इतिहास में इतना ही लिखा गया है, आगे कुछ नहीं लिखा गया है। वहां इतिहास दुनिया का खत्म हो जाता है, पर सच्चा इतिहास ये है, वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन
तीन दिन तक उसकी लाश कब्र में रही और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। वो धरती पर वापस आ गया इंसान के रूप में। वो घूम रहा था, फिर रहा था, मरने के बाद जिंदा हो गया और जिंदा होने के बाद वो घूम रहा था, पर केवल उतने ही लोगों को दिखाई दिया और उतने ही लोगों के साथ उसने बातें की जो उस पर विश्वास करते थे और उस पर प्यार करते थे। 40 दिन तक उसका यह काम चलते रहा। 40वें दिन वो ऊपर आसमान में चला गया, पर जाने से पहले चेलों को बताया था कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलने जा रहा है। ये भी बताया था, अभी मैं तुम्हारे साथ हूं, बाद में मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। अभी मैं शरीर रूप में हूं इसलिए तुम्हारे साथ हूं, बाद में मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, यानी तुम्हारे आत्मा के साथ रहूंगा, आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर बस जाऊंगा। बहुत पहले बताया था। वो स्वर्ग जाने के बाद 50वें दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। यीशु मसीह आत्मा के रूप में चेलों के अंदर आ गया और तब से लेकर आज तक यीशु धरती पर काम कर रहा है। पर इतिहास में ये बात लिखी नहीं गई क्योंकि वे नहीं जानते यीशु है कहाँ। अभी वो आंखों से नहीं दिखता है। उस समय 33.5 साल वो इंसान के रूप में धरती पर रहा। इतिहास में बस 33.5 साल की बात लिखी गई है क्योंकि तब तक वो इंसान के रूप में दिखाई दे रहा था। उसके बाद दुनिया ने उसे देखा नहीं क्योंकि उसके बाद वो इंसान के रूप में नहीं, आत्मा के रूप में धरती पर है, काम कर रहा है। और जहाँ यीशु के चेले हैं वहाँ उसके द्वारा वो चमत्कार दिखाता है, वो चंगाई देता है, छुटकारा देता है, लोगों के आंसुओं को पोंछ डालता है, अद्भुत काम दिखा रहा है क्योंकि वो धरती पर है, आत्मा के रूप में मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई चमत्कार नहीं, कोई चेला चमत्कार नहीं दिखा रहा है, यीशु दिखा रहा है। आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख, कितनी भी बड़ी परेशानी, कितनी भी बड़ी समस्या होगी, इंसान के लिए ये बात नामुमकिन है। कई सप्ताह में एक भाई ने यहाँ पर गवाही दी। जवान भाई था जो बीमार हो गया। जान छोड़ने पर डॉक्टर ने कहा कि उसे डायबिटीज हो चुका है। ये भाई अंदर से डर गया, मेरे इतनी जवान उम्र में मुझे डायबिटीज हो गया, अभी मैं कभी मरूंगा तब तक मुझे दवा लेना पड़ेगा। पर किसी ने उसे इस प्रार्थना के बारे में बताया। वो यहाँ पर आने लगे, पहली बार आए और उनको अच्छा लगा, दोबारा आए, तीसरी बार आए, चौथी बार आए, 4 से 5 बार यहाँ प्रार्थना में आए। इनके दौरान ये बार बार डॉक्टर के पास जाते थे और जांच करते थे। हर बार उनका रिपोर्ट नॉर्मल आता था, हर बार। जब चौथी या पांचवी बार गए तभी डॉक्टर ने चेक करके कहा, आपको डायबिटीज है ही नहीं, आपको दवा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कौन कर रहा है ये चमत्कार? कौन कर रहा है? किसके द्वारा हो रहे हैं? ईश्वर खुद कर रहा है, मनुष्य नहीं। मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए कितने बार ईश्वर के चेले बीमार हो जाते हैं, खुद को ठीक नहीं कर सकते हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए होता है कि चमत्कार करने वाला चेला नहीं है, चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम चमत्कार देखते हो तुम्हारा ध्यान किसी मनुष्य की ओर मत लगाओ, ध्यान उस जिंदा परमेश्वर की ओर लगाओ जो आत्मा के रूप में धरती पर काम कर रहा है। चमत्कार मनुष्य नहीं करता है। मनुष्य के लिए चमत्कार अनहोनी बात है, मनुष्य के लिए संभव नहीं है, पर परमेश्वर के लिए चमत्कार एक पल में हो सकता है, एक पल में, उसके बोलने से। उसने पूरे सृष्टि की रचना की है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है
पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।